दो महीने बाद आज से शुरू हुई घरेलू विमानों की सेवाएं। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 पर आज 332 विमान की होनी थी टेक ऑफ और लैंडिंग, लेकिन 82 उड़ानें रद्द। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से 4:45 बजे की पहली उड़ान हुई रद्द। पूर्वोत्तर के लिए थी पहली फ्लाइट, उड़ानें रद्द होने से यात्री नाराज। मुंबई में एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। आज कुल 25 विमान उड़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेगी संख्या। देश में कोरोना के कहर जारी। 24 घंटे में 6,977 कोरोना के मरीज बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 1,38,845 तक पहुंचे। 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना के कारण मौत। अब तक कुल 4,021 लोगों की मौत। अब तक 57,721 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना से अब तक 13,414 केस, इसमें से 6,540 मरीज हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 लोगों की जा चुकी है जान। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। कोरोना पीड़ितों के लिए सरकारी अस्पतालों में 3829 बेड, इनमें 2500 बेड अभी भी खाली हैं। प्राइवेट अस्पतालों में 2000 बेडों का इंतजाम। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल को जारी किया नोटिस। मरीज के कोरोना पीड़ित पाए जाने पर अस्पताल ने किया था बाहर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी का विवादित बयान। बलरामपुर के सीओ और तहसीलदार को सूली पर लटकाने और अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट से पिटाई करने को कहा। एक क्वारंटाइन सेंटर में युवक की पिटाई से खफा थी मंत्री रेणुका। अव्यवस्था का मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल करने पर भी पिटाई का आरोप। मैम आज भी मैं रमजान क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, पूरी बता दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा, अगर मैं अगर ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत क्यों नहीं होती आप लोगों की। क्या देखी, कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 54 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्राजील में कोरोना का कहर। शनिवार को 24 घंटे में 965 लोगों की गई जान। 16,000 से ज्यादा नए केस। ब्रिटिश पीएम के सलाहकार डोमिनिक किंग्स 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने माता पिता से की थी मुलाकात, तो कोरोना महामारी के बीच गोल्फ खेलते दिखे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। विपक्ष जमकर कर रहा है ट्रंप की आलोचना।